जनपद में बहने वाली नदियों का जलस्तर कहीं कहीं खतरे के निशान को पार कर गया है तो कहीं कहीं नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि पहाड़ों पर बारिश होने के कारण नदियों के रास्ते निचले क्षेत्रों में पानी जाता है। जनपद में भी नदियों पर भी इसका असर होता है, जिसकी वजह से सरयू, राप्ती और रोहिन नदी के जलस्तर में असर पड़ता है। 24 घंटे लगातार कंट्रोल रूम के जरिए इस पर नजर रखा जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमिश्नर और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। सभी तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है। जनपद के सभी तटबंध सुरक्षित हैं, स्थिति नियंत्रण में है। रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बाकी सभी नदियां खतरे के निशान के नीचे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ऐसा है, जो अपर कैचमेंट में जो बारिश हो रही है तो वो बारिश का बट नेचुरल जो पानी है वो नदियों के रास्ते नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। तो गोरखपुर में ऑलमोस्ट 13 नदियों का पानी आता है, जो मेजर रिवर राप्ती है और सरयू जिसे हम घाघरा जी कहते हैं और रोहिन, जिसमें एक फ्लैश फ्लड की संभावना बनी रहती है। तो उन सब बे जो ऊपर अपर कैचमेंट में जो या नेपाल क्षेत्र में अगर जो बारिश होगी तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 24/7 कंट्रोल रूम संचालित कर रहे हैं, खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। जैसे ही हम लोग को कोई अलर्ट प्राप्त होता है हम लोग तहसीलों को अलर्ट पे रखते हैं। वर्तमान समय में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, जैसा कि तहसीलों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट है, और स्थिति अभी पे नियंत्रण बनी हुई है और लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए अभी रोहिन नदी ही अबव डेंजर लेवल पे उसके ऊपर बह रही है, बाकी सभी नदियां अभी वार्निंग लेवल से भी नीचे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा अलर्ट बना रहेगा तो सारे डिपार्टमेंट्स भी उसमें लगे हुए हैं, तो अभी फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है।